खाइए, आज हम बनाते हैं गुजराती डिश खांडवी। ये बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है, इसको बनाना बहुत आसान है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं खांडवी। खांडवी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी दही। ये दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में चाहिए। और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट पीस कर लिया हुआ है। मेन चीज़ बेसन और दही ही है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं खांडवी। इसके लिए सबसे पहले दही को हम ग्राइंडर जार में डालकर फेंट लेते हैं। 1 कटोरी दही और 1 कटोरी ही पानी इसमें डालेंगे। इनको हम फेंट कर लेते हैं पहले। तो देखिए इस तरीके दही और पानी को हम पहले मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम बेसन मिक्स कर देते हैं। और इसको भी फेंट लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। इसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने पीस कर रखा है वो डाल देंगे। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे और नमक आधा चम्मच मिक्स कर देंगे इसमें। देखिए ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें 1 कटोरी पानी हमने पहले डाला था और 1 कटोरी पानी इसमें हम अभी डाल देते हैं। तो आप क्वांटिटी का खास ख्याल रखिएगा। 2 कटोरी पानी, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी बेसन ही डालेंगे इसमें, तभी ये सही बन पाएगा। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इस तरीके से इसको हम एक इसमें छान कर लेंगे एक बाउल में। बेसन को हमने पहले भी छान कर लिया था लेकिन कोई गांठें ना रह जाएं। ग्राइंडर जार में डालने से तो ऐसे गांठें नहीं रह जाती हैं, तब भी हम इसको छान कर ही लेंगे। इस तरीके से हम इसको छान लेंगे और इसमें ये जो बचा है इसको हम अलग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके की कोई भी फैला हुआ पैन या कढ़ाई लेकर उसमें हम इस तरीके से डालकर इसको पकाएंगे। देखिए इसको डालकर इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। अगर चलाएंगे नहीं लगातार तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो देखिए इस तरीके लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा होने लगेगा। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखिए इसको हमको लगातार पकाते हुए लगभग 6 मिनट हो गए हैं। इसको पकाने में वही लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है, तभी बेसन अच्छे से पक पाता है। हम इसको 6 मिनट से पका रहे हैं, अभी हम इसको और पकाएंगे। तो देखिए इसको पकाते हुए हमको लगभग 10 मिनट हो गए हैं, इतना गाढ़ा हो चुका है। अब
हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक प्लेट लेंगे, इसको इस तरीके से घी से ग्रीस कर लेंगे हल्का सा, और थोड़ा सा ये लेंगे अपना गुड़ और इस तरीके से इसमें फैला देंगे, और बाकी का हम ढक कर रख देंगे ताकि ठंडा ना हो पाए। गरम गरम ही इसको फैलाना है, और इस तरीके से करते हुए इसको पूरी प्लेट में फैला देंगे। ये देखिए इसको अलग कर देंगे, इसी तरीके दूसरी प्लेट में फिर फैला देंगे। देखिए इस तरीके हमने सब प्लेटों में पतला पतला फैला दिया है, और इसको एक एक फैलाते जाएं, बाकी पेस्ट को आप ढक कर रखें ताकि ठंडा ना हो पाए, और गरम गरम में ही फैलाएं, ठंडा हो जाएगा तो नहीं फैलाते बनेगा। ये सबको हमने फैला लिया है, अब 2 मिनट तक इसको ठंडा होने देते हैं। तो देखिए अब ये हमारे ठंडे हो चुके हैं, हल्के गर्म है, बाकी ठंडा हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से पीसेस में कट करेंगे। और साइड से इस तरीके से इसको लेते हुए इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए चाकू से ही इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे, इसको हल्के गरम में ही फोल्ड कर लें तो ये आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से कितनी आसानी से हम इनको फोल्ड कर सकते हैं, और फोल्ड करके एक प्लेट में रखते जाएं। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, ये गुजराती डिश है। इसको हल्के गरम में ही फोल्ड कर लें तो ये जल्दी से फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो टूटने लगता है। इसी तरीके हम अपने सारे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरीके हमने सारे पीसेस कट करके रोल करके निकाल लिए हैं। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। अब देखिए तड़का पैन एक गरम करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग और राई और करी। और राई हमारी चटक जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे। जो सारी खांडवी बना कर रखी है उसके ऊपर से इस तरीके से तड़का थोड़ा थोड़ा डाल देंगे हम। और ये तड़का डालने के बाद इसको जो है नारियल से इस तरीके से गार्निश कर देंगे। और इस तरीके से अगर फ्रेश नारियल है तो आप वो डालें, अगर नहीं है तो नारियल का बूरा जो होता है वो डाल सकते हैं। इस जगह हम नारियल का बूरा डाल रहे हैं क्योंकि फ्रेश नारियल नहीं है। और उसके बाद ये थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और इसको गार्निश कर देते हैं। तो देखिए बनकर तैयार है ये गुजराती डिश खांडवी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए शशि का किचन यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाइए टेस्टी कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।